दशहरे के दिन करना चाहिए ये 10 परंपरागत कार्य। दशहरा मनाने का हर प्रांत में अलग अलग प्रचलन है, परंतु विजयादशमी के दिन परंपरा से निम्नलिखित 10 कार्य करना जरूरी है। इस दिन नए वस्त्र आभूषणों को धारण कर लोग रावण दहन देखने जाते हैं। दशहरे पर सुबह वाहन शस्त्र राम लक्ष्मण सीता व हनुमान माता दुर्गा अपराजिता और शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। दशहरे के दिन घर से रावण दहन देखने के लिए जाते समय तिलक लगाकर जाएं और रावण दहन का आनंद लें। रावण दहन से लौटते समय शमी के पत्ते लें, उन्हें लोगों को देकर दशहरे की बधाई दें। घर लौटने वाले की आरती उतारकर उनका स्वागत किया जाता है। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दशहरे के दिन सभी स्वर्ण के प्रतीक शमी पत्तों को एक दूसरे को बांटते हैं। इस दिन बच्चों को दशहरी देने का भी प्रचलन है। दशहरी के रूप में बच्चों को रुपए, वस्त्र या मिठाई देते हैं। इस दिन खास तौर पर गिलकी के पकौड़े और गुलगुले बनाने का प्रचलन है। पकौड़े को भजिए भी कहते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ भी किए जाने की परंपरा है। दशहरे के दिन पीपल, शमी और बरगद के वृक्ष के नीचे और मंदिर में दिया जलाने की परंपरा भी है। इस दिन घर को भी दिए से रोशन करना चाहिए। इस दिन अपने भीतर की एक बुराई को भी छोड़ने का संकल्प लें। इस दिन सारे गिले शिकवे दूर करके अपनों को गले लगाकर उनसे पुनः रिश्ता कायम किया जाने का प्रचलन भी है। दशहरे